वो तो नेक्स्ट तो लास्ट क्या करते इसमें आप लोगों का फायदा मेरा उसके बाद ये कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि एचटीएमएल स्टार्ट किया, एचटीएमएल क्लोज किया, हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया, टाइटल रखा इसके, इसके बॉडी के अंदर आपने H1 टैग लगाया, पैराग्राफ का टैग लगाया, इस तरह ये चलता रहेगा। एचटीएमएल एग्जांपल है तो एग्जांपल आपके जाने लेकर आपने इंट्रोडक्शन से कहा कि 2-3 महीने से पढ़ना चाहते थे तो इतनी करने की कोशिश कर ली। अब आपको मैंने रिव्यू बता दिया, अब अपने स्कोर को एंटर करना ठीक है। क्या है उसका लेआउट क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट टाइप क्या चीज है, एचटीएमएल क्या है, हेड क्या, ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। लेकिन वो बच्चे जो ज्यादा सीखना चाहते हैं, जो इससे हटकर सीखना चाहते हैं और एक अच्छा वेब पेज डिजाइनर बनना चाहते हैं, वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं ठीक है, तो ये चीजें उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एचटीएमएल ठीक है, उसके एलिमेंट क्या होता है, आप देखें H1 लिखा मैंने, H1 एक एलिमेंट है और ये पूरा एक टैग है। एक एलिमेंट जो है उसका स्टार्टिंग टैग भी होता है, उसका एंडिंग टैग भी होता है। इसी तरह ये कुछ टैग्स उसने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता ठीक है। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये बार चीजें बताई गई है, तो वो तमाम क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ करके, तो लिस्ट आउट करें आपने चूज कर दिया ठीक है। ये इमरान खान पर मुकदमा है, आप लोगों का भी काफी सारे मुकदमा है, आपको फुर्सत नहीं है। एम्स को प्रायोरिटाइज करें, पबजी को आखिर पर रखा था मंत्री कल कितने बोला गया था, पबजी से जरूरी नहीं है कि तुमने पबजी खेल लिया, पबजी से मुराद कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी पढ़ाई की राह में रुकावट है। मैं इवन बच्चों को ये भी कहता हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं ना मिसाल के तौर पर ऐसी एक्टिविटीज में होती है वो बड़ी अच्छी एक्टिविटीज है, जैसे आप किसी को कोई हाफिज़े कुरान है तो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता रहता है सारा दिन, कुरान अपनी पढ़ाई की तरफ रुझे ही नहीं। कुरान तो ये कहता है ना कि बैलेंस रखें सब चीज़ों में, तो आप सारा दिन ये है बहुत हेल्थी एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन ये काम भी तो है ना। एक पुराने जमाने में ये रिवाज था कि जो दुनिया से अपने उसको जो भी बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, इस्लाम में इस कंसेप्ट को खत्म किया गया है, अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने माँ बाप को टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे, ये सारी एक्टिविटीज है ना कलेक्टिवली परफॉर्म करने की, आपकी मैनेजरियल पावर ऊपर आती है। अब आपने मंडे को मुझे ये असाइनमेंट आपने यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, लिखने सीखने कोई नहीं है, बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने देने, 3-3 स्लाइड है। पहली स्लाइड में आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपना रोल नंबर लिखना है, और असाइनमेंट का दूसरी स्लाइड के ऊपर आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर और ये चीज प्रेजेंटेशन लिखनी है। प्रेजेंटेशन क्या है, एडिटर लिस्ट ऑफ एडिटर्स विच वन इज द बेस्ट, इसको अपने अल्फाज में लिखना है, और फिर प्रेजेंटेशन देते हुए आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना वो भी बाहर आनी चाहिए, ये ना हो कि इधर बैठे काम रहे ठीक है, और यूनिफॉर्म आपका धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो ठीक है। हो सके किसी के पास अगर कोई 3 पीस है तो इस किस्म का कोई अच्छा उनका यूनिफॉर्म के साथ जो शुरू करता वो दिया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कर करते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छी अपनी बात किसी को दूसरे तक पहुंचाते हैं इस अंदाज, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपने इसको बेहतर करना है। जैसे ये नहीं ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी पर आप अच्छी अच्छा नाश्ता कर दिया मंडे याद रहेगा ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर आवाज निकले कम अज कम वहां पे बैठा कोई शख्स उसको पता तो चले ये बात क्या है। देखिए ये ओपन टेक्स्ट एडिट है, ये भी एक एडिटर है, कुछ आप नोट पैड में भी यूज कर सकते हैं, ये नोट पैड भी है ठीक है, और भी बहुत सारे
आपको मिल जाएंगे। उसको फिर आपने चलाना कैसे है, ब्राउजर कौन से है, कौन कौन से ब्राउजर आप यूज करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर, गूगल क्रोम, गूगल नहीं, गूगल कंपनी है, गूगल क्रोम, क्रोम इज शॉर्ट, गूगल क्रोम इज फुल नेम, मोज़िला फायरफॉक्स, व्हाट मोज़िला, मोज़िला कंपनी का वेब ब्राउजर, आप लोगों में से ब्राउजर का नाम बताए, जैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, और एज, और बेटा ये पता होना चाहिए ना आप लोगों को। फिर एच टी एम एल बेसिक से आपने स्टार्ट करना है। एच टी एम एल एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, हेडिंग्स क्या है, पैराग्राफ क्या है, स्टाइल क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, कोटेशन क्या है, कमिट क्या है, कलर क्या है, टी एस एस क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर टी एस एस पढ़ाऊंगा, सेलेक्ट पढ़ाऊंगा, लिंक्स है, इमेजेस है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसे सेव करें, दिया सेव करें, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, 1 2 3 4 करके लिखते हैं डेली बेसिस पे, उनको चेक करें कि ये मेरी प्रायोरिटी है, अदरवाइज आप लोग बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। 6 6 माह का, 4 4 माह का ये सेमेस्टर है, और 2 साल बाद आप ये ना हो कि आपके कॉलेज से भी आप एक्सपेल हो जाए। अच्छा, अभी मैंने कॉलम्स को स्पैन करना है, 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, ये देखिए नेम और रोल नंबर को मैं इकट्ठा लिखना चाहता हूँ ऊपर, ये दोनों को, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर टोटल कॉलम कितने हैं, 3, तो ये जो एक कॉलम ये बनाऊंगा ये 2 के बराबर है, कितने के बराबर, तो मैं लिखूंगा कॉल स्पैन 2। ये देखिए ऊपर 2 कॉलम हो गए, ऊपर कितने कॉलम हो गए, ये खत्म कर दिया मैंने, अब ऊपर कितने कॉलम है, 2 है ना, सी डी सी एच कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 दफा, यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू, और यहाँ पर 2 लिखूंगा, यहाँ पे सेव किया मैंने और इसको रिफ्रेश किया, तो 2 कॉलम मर्ज हो गए। अब यहाँ पर टोटल कॉलम कितने, ये कॉलम है, ये कॉलम है, लेकिन ये वाला कॉलम जो है उन 2 के बराबर, ये कॉलम स्पैन हो गए, ठीक है क्या, समझ लग रही है कि नहीं बेटा, अगर नहीं समझ लगती तो पूछ लिया करें, सवाल पूछने में मुजायका नहीं है, लेकिन सवाल ना पूछना सबसे बड़ा जुर्म है। ये मैंने नंबर ऑफ रोल्स इंक्रीज कर दिए, मैं इस यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉलम को मर्ज किया, अब मैं रोज को मर्ज करना चाहता हूँ, मैं रोज को कैसे मर्ज करूँगा, मतलब ये 2 3 और ये 4, इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ सिर्फ इसको, तो ये रो 1 है, ये रो, सॉरी ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, 3 4 5 6, इनको मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ, कॉलम तो इतने ही रहेंगे लेकिन रो क्या होगी, मर्ज हो जाएगी। बताएं रो स्पैन का कीवर्ड यूज होगा, कोई आइडिया बताएं कि इसको कैसे मर्ज करें, कॉलम स्पैन का तो हो गया ना, 2 कॉलम का सबसे मैं यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँ, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 करता हूँ, दोबारा से मैं चेक रहता हूँ, एक दो तीन चार, मैं 3 4 को मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या करेंगे आप, 3 की जगह पर यहाँ पे क्या लिखूँ, रोज पेन इज इक्वल टू कितनी रोज को मर्ज करना है, 2 को, ये 2 लिखा, यहाँ से ये खत्म कर दूँ, फिर ये वाली खत्म कर दी, कॉलम खत्म होगा, रोज खत्म होगी, क्लियर हो गया।
या इधर से लेना। तो ये आपने टेबल बनाना है, अब नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करना या नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज करना, अब आपके सर पर है। आप इसको कैसे इंक्रीज करते हो, कैसे डिक्रीज करते हो। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप एक टेबल बनाओ जिसमें आपका जो 10वीं क्लास का जैसे रिजल्ट आता है, तो वो देखिए वेबसाइट का, तो जैसे टेबल बनाओ तो ऐसे टेबल बनाना, ठीक है। या कोई और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का टेबल जो है आप बनाए जिसमें रोज को एक्सपेंड किया जाए, कॉलम को एक्सपेंड किया जाए। अब ये देखिए, इसको मैंने टेबल हेड किया और इसको टेबल बॉडी किया। अब मैं इसको ना मल्टीपल टाइम्स इसको काफी पेस्ट करता हूँ। आ रहा है यहाँ पे कितने कॉलम्स बन गए, बहुत सारे कॉलम बन गए ना। जब मैं इसका प्रिंट लूंगा, प्रिंट लिया मैंने इसको, ये सीरियल नंबर और नेम लिखा हुआ है, अगले पेज के ऊपर भी लिखा हुआ होगा। अगर आपने टेबल हेड नहीं लिखा होगा तो ये अगले पेज पे नहीं आएगा, ये खुद खुद आ रहा है। एक प्रॉपर तरीके से जब आप टेबल हेड बनाते हैं तो प्रिंटिंग के ऊपर जब आपने किसी चीज का प्रिंट लेना, जैसे स्टूडेंट अपने रिजल्ट का प्रिंट ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर बड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो आपने जो प्रॉपरली तरीका आपको बताया गया है टेबल हेड का और टेबल बॉडी का, ये आपने इसको कैरियर करना है, ठीक है। किसी को लिंक लगाना आता है, किसने घर जाकर प्रैक्टिस किया है कि हाउ टू एंकर एनी टेक्स्ट, लिंक दे देखे ना, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया CSS के ऊपर, ये देखे यहाँ पर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, इसके ऊपर माउस जो होता है ये एरो बन गया, और ये कौन सा बना टेक्स्ट के ऊपर। और जब मैं इसको HTML के ऊपर या CSS के ऊपर माउस ऑन करता हूँ तो इसका कर्सर जो हेड कर्सर बन गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो इसके जैसे आए, ठीक है। ये लिंक लगाना है, आपने इमेज को भी लिंक लगाना है, आपने किसी टेक्स्ट को भी लिंक लगाना है। देखिए आपने लिखना है AHREF इज इक्वल टू ये इसका कोड है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे प्रेजेंटेशन बनाए, आ गया ना यहाँ पे लिंक बन गया। इस पर क्लिक करूँ तो वो उस विकिपीडिया वाले पेज में यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाकिस्तान का लिंक तो मैंने भी काफी किया, ठीक है। अभी कैसे करते हैं, राइट क्लिक किया, ऊपर देख नोटपैड, तो कंट्रोल एस सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश किया कंट्रोल F5, इस पर क्लिक करूंगा तो ये उस विकिपीडिया वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। बैक पे आएगा तो ऐसे, अब यहाँ पर अगर आप देखें ना HTML लिंक, यहाँ पर क्लिक करें तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है, इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं, ये टारगेट्स भी बताए जाते हैं। अगर आप टारगेट यहाँ पर लिखते हैं ऐसे टारगेट, कॉपी करें इसको और यहाँ पर टारगेट लिखते हैं, इसको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, तो देखिए तो क्या हुआ, एक नई आप चाहते हैं कि एक सेल्फ करेंगे वो टैब में ओपन हो जाएगा, अगर ब्लॉक करेंगे ब्लैंक करेंगे तो नई विंडो में और टैब में ओपन हो जाएगा, पेरेंट करेंगे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पर डॉक्यूमेंटेशन फुल बॉडी ऑफ ही विंडो उसकी पूरी व्यू में ओपन हो जाएगा। तो ये आप घर जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टारगेट अगर मैं इसका रख लेता हूँ तो क्या होगा, न्यू टैब ओपन कर देगा। अब ये देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ ना तो ये उस पेज पे चला गया जिस पेज पे इसमें जाना। बात का ऐसा तो मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे 10-15 कंट्रीज के नेम भी, क्यों मैं क्लिक करता जाऊँ और वो अगली टैब में ओपन, ये टैब डिसअपेयर ना हो,
जब मैं देखिए इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्पेयर हो जाती है ना, मुझे फिर दोबारा से इधर आना पड़ता है, तो वो आपने इसमें से चेक करना कि फिर कैसे आपने टेबल करना। ठीक है, टेबल का विजिट का बता दिया, लिंक्स आपको मैंने बता दिया, लिंक बुकमार्क का पता है क्या? ठीक है, कॉल कर निशानी है। ठीक है तो देखिए आप अपने हिसाब से बताइए, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका पूरी एग्जाम्पल भी लिखी जाए, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ कि बुक मार्क क्या है। इसको जब मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको यहाँ पर ओपन किया, ठीक तो मैं पैराग्राफिक सूरत पे लिखता हूँ ताकि आपके सामने ये देखिए यहाँ पर तो ऐसे है। अब ये देखिए पेज आपका कहाँ तक चला गया, ये देखिए आपने इतना अच्छा पेपर दिया मैं नंबर नंबर तीसरा करना एक क्लासिक को प्ले करनी आप सब लोग इसकी पूरी पाली करनी है क्लासिक को। क्या मसला है, लिखते क्यों नहीं, क्या लिखा है उन्होंने, क्या माशाल्लाह जहीन है और एक्टिव भी है। ठीक है, जो क्लास में आगे आके बैठते हैं दे आर एक्टिव, दे आर इंटेलिजेंट, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आगे बैठते हैं, पीछे बैठ के मास्क पहन के बातें नहीं करते। ठीक है, तो यू हैव पोटेंशियल, शो पोटेंशियल टू योर टीचर। देखिए कोई इश्यू होता है, घर में परेशानियां होती है, बाहर के मसाइल होते हैं, उसको किल करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और वापस पढ़ाई की तरफ आओ। मैं तो पहली नजर में बच्चे जब क्लास में बैठते मैं तो पहचान जाता हूँ कौन बच्चा पढ़ने वाला है कौन नहीं। जिन्होंने बिल्कुल पीछे जाके बैठना, आपस में बातें करनी है, इस तरफ ध्यान नहीं देना, तो मैं भी उस तरफ ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए आपकी क्लास अरेंजमेंट से मुझे पता चलता है कितने बच्चे जहीन और कितने जो है मेरी तरफ। ठीक है, तो आगे आगे बैठा करें, बिल्कुल फ्रंट पे आके बैठा करें, तो ये अच्छी बात है। ये बच्चे आगे इसके साथ मजाक करता है, कहना बात, तो दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो छुपते हो पीछे जाके बैठ रहे, बैक बेंचर पे, तो पाकिस्तान की हुकूमत बैक बेंचर भी कर रहे हैं। अब ये देखिए बुक मार्क में आपको समझाता हूँ, ये पैराग्राफ है, कितने पैराग्राफ है कि नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ कि मैं पंजाब के ऊपर क्लिक करूँ, पंजाब पर क्लिक करूँ तो मैं सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे चला जाऊं, पंजाब पर क्लिक करूं तो
तो मैं इसे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको एक आईडी दे देता हूँ। इसको क्या देता हूँ? एक आईडी। आईडी इज इक्वल टू, कोई भी नंबर भी दे सकते हैं, अल्फा वैल्यू भी दे सकते हैं। इसका मैं लिखता हूँ नंबर 3-4। इसका आईडी का नंबर क्या है? 3-4। अब मैं कहता हूँ इस पंजाब पे क्लिक करो, तो मैं लिंक करूंगा इसको। क्या करूंगा? लिंक AHREF, और यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको नंबर मैंने क्या दिया? नंबर 32। यहाँ पे मैं हैश साइन लिखूंगा और यहाँ पर 34। अब ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये पंजाब यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने लगा हूँ तो कहाँ पर आया? लास्ट वाले पैराग्राफ पे। अब यहाँ पर लास्ट वाले पैराग्राफ पे यहाँ पर एक एरो की ऊपर की तरफ जा दो, क्लिक करूँ वापस उधर चला जाए जहाँ से क्लिक आई है। ठीक है, ये जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो आप वो इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि क्लिक के ऊपर क्या हो, माउस ओवर पे क्या हो, माउस आउट पे क्या हो। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। आप इस पेज को बहुत इंटरेक्टिव बना सकते हो। ये पंजाब के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वापस इस पेज पे आ गया। तो यहाँ पर ये देखिए नंबर 34 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ से सारा क्लिक करता हूँ, आप चाहते हैं कि जब भी यूजर पेज ओपन करे और वो उसी जगह पर जाए जहाँ पर मैं उसको, तो ये लिंक आ गया, ये पूरा लिंक करेंगे तो वो उसी पैराग्राफ पे जाएगा, वो तो पहले पैराग्राफ पे नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कर देखिए ना, सबसे नीचे आएगा। तो ये वाली एक्टिविटीज बेटा आपने सीखी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग घर जाके बैठ के तो क्या करना है कि ये HTML जो है किसके ऊपर, W3 Skills के ऊपर, इसको गो थ्रू हो, पढ़े इसको अच्छे तरीके से, इसकी प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन जिस चीज की समझ नहीं लगती मेरे साथ डिस्कस करें। मैं 30 मिनट की क्लास के अंदर वो सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं MS को जब पढ़ाता हूँ तो मैं 3-3 घंटे की क्लास मुसलसल ले रहा हूँ, रोजाना की बुनियाद पर क्लास होती है 3 आवर्स मुसलसल। ठीक है, तो बच्चे भी साथ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो फिर मेरा भी दिल करता है कि 3 आवर्स से ज्यादा भी हो जाए तो मुझे भी इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप आज कितना दिन है आपका, मतलब चौथी या पांचवी क्लास है, लेकिन ऐसे जैसे घर से नाकारी करके आए, किसी ने मार के बैठाया हुआ है, यानी कि चेहरे के ऊपर वो एकदम तो पता है तुम्हारे माँ बाप की ट्रस्ट शो नजर आया ना मुझे, ऐसे बैठा है। मैं सिर्फ ये है कि नंबर देने के अधिकार मेरे हाथ में, वरना मैं आपको कहता हूँ कि नंबरों की फिक्र ना करें, स्किल सीखे ना। तो कल छुट्टी है क्लास की, कॉलेज आपने आना, कल जुम्मन है, कल फिर मैं 12-11 साढ़े 11 में निकल जाता हूँ, बच्चों को लाना होगा, रहने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। ये एडिटर्स बेसिक एनिमेशन कमेंट्स कलर्स CSS मैं आपको बस यहाँ पे समझा दूँ बना हुआ है। साइकिल को क्या बोलते हैं, इमेज की तरह आपने लगाना है बस। इसका तरीकाकार क्या है? सिंपल, ये बस लिंक करना है इस पे भी आइकन को। यहाँ पर आपने हेड के अंदर आपने लगाना है। ठीक है, अब ये किस 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 वेबसाइट पर मैंने डाला ये लगा ना फेवी आइकन, ये देखें। ठीक है, ये इसका लिंक मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये आपकी वेबसाइट की पहचान है, पूरी वेबसाइट की। फेसबुक की वो आता है ना आइकन, उसे पता नहीं चलता कि फेसबुक है। अब ये देखिए आपके टेबल के ऊपर भी आ रहा है यहाँ पे कि नहीं, फिर भी आइकन है।
जो आपके पेज का टाइटल होता है, यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले हो रहा होता है, ये देखिए टूल टिप में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आपको कितनी चीजें मैं करवा चुका हूँ, टेबल्स तक आपको मैं ये सारे करवा चुका हूँ। छोड़ दे सी एस एस एक अलहदा से, ये पूरा टॉपिक है सी एस एस, सरप्राइज पेज होगा आप लोगों का। यूज पर प्रेजेंटेशन वही 3 मिनट की टोटल प्रेजेंटेशन है आप लोगों को, सिर्फ मैंने शुरू करना स्टेज का जो टॉप है ना वो दूर करना बताने के लिए, है आसान काम दे दूं, है फैसिलिटी दे देता हूँ। आपके पास जुमा क्लास नहीं होगी ये वाली, हफ्ता छुट्टी है तो आज छुट्टी है, आप इसकी वीडियो बना के इसी तरह जूम पर बना के ना वीडियो, तो आपने वो मेरे साथ शेयर कर दे। वीडियो आपकी 5 मिनट से ज्यादा ना हो।